हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे चैनल में। तो आज हम आए हैं श्री गोट फार्म में, जिनके ओनर का नाम है दीपक भाई। मिलते हैं दीपक भाई से, बातचीत करेंगे आज हमारे व्यूअर्स को, क्या दिखाने वाले, क्या नई जानकारी देने वाले, ताकि हमारे व्यूअर्स को एक कुछ नई इन्फॉर्मेशन मिल सके और नया सहारा मिल सके कि उनके बात सुन के किस टॉपिक पर आपको जानकारी देंगे। मिलते हैं दीपक भाई से। नमस्कार दीपक भाई। नमस्कार नमस्कार। आज हमारे व्यूअर्स को क्या दिखाने वाले हो? सिरोही, गुजरी और अजमेर की बकरियाँ हैं, प्रेग्नेंट बकरी है। वो बकरा है सिरोही का। अच्छा, तो सिरोही गुजरी अजमेर की आपके पास बकरे, वो सिरोही के। अच्छा, दो सिरोही के बकरे हैं और बाकी सारी प्रेग्नेंट बकरी है आपके पास अभी अवेलेबल। तो जैसे कि कुछ जानकारी दीजिए कि कौन से सिरो नस्ल होती है, कौन सी गुजरी नस्ल होती है, कौन सी अजमेरी होती है। सिरोही है, ये सभी स्पॉटेड है। स्पॉटेड सिरोही है। अच्छा, ये वाइट मुंह है और एक व्हाइट वाली वो खड़ी है। अच्छा, वो गुजरी रहती है। अच्छा, और रेड कलर की रहती है और सिंगल कलर, सिंगल कलर की दो खड़ी है। अच्छा, तो ये बात बहुत अच्छी बात है। तो जैसे कि ये सिरोही गुजरी अजमेरा होती है, उसके अंदर कोई नस्ल में आप बता रहे हो अलग अलग, लेकिन उससे ग्रोथ में कोई फर्क होता है? कोई डिफरेंट नहीं है ग्रोथ में, ग्रोथ में भी डिफरेंट नहीं है, कोई इम्यूनिटी पावरफुल में भी डिफरेंट नहीं है। अच्छा, यानी कि इम्यूनिटी सबकी स्ट्रॉन्ग ही है। स्ट्रॉन्ग ही है। और आपके सबसे सस्ती और अच्छी नस्ल है पूरे इंडिया में। अच्छा, यहीं से शुरुआत होती है। अच्छा, रेट की। अच्छा, बाकी सारे रेट ऊपर है। अच्छा, तो क्या रेट है इन सब के? 260 रुपये किलो बकरी मिलेगी। हाँ। और 280 रुपये किलो बकरी का बच्चा मिलेगा, यानी कि जो मेल किड्स जो है ये वाले। तो ये जो दो किड्स है आप 280 रुपये के हिसाब से सेल आउट करते हो, और प्रेगनेंट फीमेल 260 के हिसाब से सेल आउट करते हो। 260 के हिसाब। और चाहे पट ले लेते कोई, पट लो, पट तो 260 रुपये आएगी, पट 260 और बकरी भी 260। हाँ। तो जैसे कि कोई मान लीजिए ये पट लेके जाता है। हाँ। तो उसको कोई फायदा होता है कि नुकसान होता है? कोई फायदा नुकसान की बात ही नहीं है। अच्छा, अब मान लो ये इस टाइप का बकरा लेके पट लेके जा रहा है। हाँ। अब उसको 10 महीने के बाद क्रॉसिंग कराएगा। हाँ। 10 महीना खिलाएगा। हाँ। फिर क्रॉसिंग कराएगा। बिल्कुल। उसके बाद 5 महीने बाद बच्चा देगी, यानी 15 महीने खिलाना है। सही। और 5 महीने के बाद बच्चा बेचने लायक मिलेगा, और पहली बार में एक ही बच्चा। अच्छा, यानी कि इसको छोटे से बड़ा करके इस हाइट की बनाना। हाँ। जैसे कि इनफैक्ट इस हाइट की या तो चाहे इस हाइट की बकरियां बना के फिर उसको क्रॉसिंग करवाना। हाँ। यानी लॉन्ग पीरियड का टाइम, लॉन्ग पीरियड हो जाता है उसका, 24 महीने के बाद पैसा मिलना शुरू होता है। अच्छा, प्रेग्नेंट बकरी लेके जाता है, 8वें महीने में पैसा निकल जाता है पूरा, उसका जो इन्वेस्टमेंट है बकरी के अंदर वो सारा पैसा 8वें महीने में निकल जाएगा। 10 महीने में बच्चा मिल जाएगा, 5 महीने बाद बेचने लायक बच्चा मिल जाएगा। यानी कि आपका कहने का मतलब ये हो रहा है कि जो बकरिया है तो उसको आप तैयारी चीज लेके जाइए। हाँ। ताकि बेनिफिट मिल सके कि आगे किस टाइप का और माल प्रोडक्शन करना है। अंदर गए तो पहली बार की। अच्छा, सब सारी दूसरी बार की। यानी कि इस टाइप की जो बकरिया होती है उस टाइप की बकरिया लेके जाने में एक ही प्लस पॉइंट है कि आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा। टाइम वेस्ट नहीं होगा। अच्छा, और रेट में कोई फर्क थोड़ी रहता होगा? नहीं, रेट में कोई फर्क नहीं है, पट ले जाओ या प्रेग्नेंट बकरी लेके जाओ, रेट में कोई फर्क ही नहीं। अच्छा, रेट में कोई फर्क नहीं आता है? कोई फर्क नहीं। और जैसे कि मान लीजिए कोई ब्रीडर लेके जाता है। हाँ। या तो बड़े बकरे लेके जाता है। हाँ। तो उसमें कोई फर्क? ब्रीडर और बकरे में फर्क रहता है, यानी कि बड़े रेट, रेट में फर्क है। क्या फर्क, कितना? 280 रुपए बच्चा मिल जाता है, और ब्रीडर लोगों को 350 रुपए किलो मिलेगा। ब्रीडर 350 रुपए किलो मिलता है, बहुत अच्छी बात है। तो ये सब भी वैक्सीनेटेड रहता है? सारे वैक्सीनेटेड। अब जैसे कि ये बच्चे कितने महीने के होंगे? ये 4 महीने के। 4 महीने के बच्चे वैक्सीन के लायक हो गए? एक ही बच्चे और एक ही किस्म के बच्चे। 4 महीने के बच्चे, लेकिन काफी हाइट लेंथ बहुत तगड़ी है इसकी। 28 किलो का बच्चा है, हाइट लेंथ भी बहुत प्यारी है। मतलब ये बकरा कुर्बानी तक तो मेरे ख्याल से अप्रोक्सीमेट जाएगा 70-80 किलो। 90 किलो जाएगा। अच्छा, 90 किलो जाएगा। अभी अदंती है ये? अदन 4 महीने का। 4 महीने का वही अदंती है। यानी कि इस टाइप का बकरा लेके जाके आप जो पालते हो तो आपको एक बेनिफिट मिलता है, और बकरियां जैसे कि इस टाइप की लेके जाता है तो कोई उसको बेनिफिट मिलता है, क्योंकि उसका टाइम वेस्ट नहीं होगा। टाइम वेस्ट नहीं होगा, सीधी सी बात है। और ये जो आपको बकरियां में कुछ बताइए कि इसमें कोई भी हल्की भारी बकरियां है तो किस टाइप की, कोई फार्मर स्टार्ट करता है तो किस टाइप की लेके जानी चाहिए? उसको लेके जानी चाहिए कम से कम दूसरी बिहार की। तो आपके पास है इसमें? सारी दूसरी बिहार की बकरी। सारी बकरी 20 रुपये की।
अंदर का जो वाड़ा है उसमें तो फर्स्ट टाइम हुई है। अच्छा, तो इसमें सारी दूसरी बात की है तो मतलब कि सभी हल्की भारी है, जैसे कि वो हल्की थोड़ी है, इसमें थोड़ी भारी भी है, तो इसमें कौन सी बेस्ट रहती है? मतलब कि लोगों को ऐसे कि बताना पड़ेगा ना, जैसे कि वो वजन कम है, किसी का ज़्यादा है, तो किस टाइप की लेके जाना है? 70 kg की बकरी रहती है ना, वो बकरी है 70 kg की बकरी है, टॉप रहती है। एक दो तीन खड़ी है ना, चार। और ये बकरी जैसे कि इसका वजन कितना होगा? 80 पर जाएगी। ये वाली 90 के आसपास रहेगी, मतलब हैवी है, बहुत हैवी है। मीडियम साइज शो नहीं हो रहा होगा लेकिन अभी हैवी है, बहुत हैवी है, बहुत हैवी है। तो ऐसी भारी लंबी चौड़ी बकरी लेके जाने में आपको बेनिफिट मिलता है, उसका दूध भी सही रहता है। और सेकंड टाइम के और फर्स्ट टाइम में कंपैरिजन आप बता सकते हैं? फर्स्ट टाइम में आपको पता नहीं चलेगा कि बकरी का दूध कितना है, फर्स्ट टाइम पता नहीं चलता है बकरी का दूध कितना है। और फर्स्ट टाइम की प्रेग्नेंट लेके जाने में आपको पहली बार में एक ही बच्चा मिलेगा, दूसरी बार की लेके जाने में आपको दो बच्चे मिलेंगे। यानी कि ये डिफरेंट है कि सेकंड टाइम के लेके जाओ तो दो बच्चे मिलेंगे, फर्स्ट टाइम में एक ही बच्चा मिलेगा। और दूध कितना है पता नहीं चलेगा? तो दूध का पता नहीं चलता, और पहली बार में मान लो बांस भी निकल। अच्छा, पहली बार बांस निकल गई तो बकरी काम की नहीं है? काम की नहीं, तो कटिंग में जाएगी। तो कटिंग में जाएगी। अच्छा, चलिए वो तो बहुत अच्छी बात है। और इसका जो माल है आपके पास, जो इसकी ओरिजिनलिटी रहती है, उससे कोई सर्टिफिकेट भी मिलता होगा आपको? हाँ, मिल जाता है ना, हमारा पक्का बिल्ली सर्टिफिकेट ही है। पक्का बिल्ली सर्टिफिकेट, प्राइवेट लिमिटेड फार्म है। जब प्राइवेट लिमिटेड ही गोट फार्म है, चलिए बहुत अच्छी बात है। यानी आपके पास है श्री गोट फार्म और बीआरएसटी गोट फार्म दोनों एक ही है? हाँ, सीए गोट फार्म और बीआरएसटी गोट फार्म एक ही फ्रेंचाइजी है। तो कोई कंफ्यूज ना हो, अगर बीआरएसटी गोट फार्म से कोई वीडियो आप देखते हो या तो श्री गोट फार्म से देखते हो तो कंफ्यूज ना हो, दोनों एक ही है, दोनों का मालिक एक ही है, दीपक भाई है। और इनसे कांटेक्ट करने का आप तरीका पूछ लेते, कौन सा कांटेक्ट नंबर है? हमारा फार्म अजमेर राजस्थान में है जी, शिखर रोड पे है जी, जनाना हॉस्पिटल से 2 किलोमीटर दूरी पे है जी, बस स्टैंड से 10 किलोमीटर दूरी पे है, रेलवे स्टेशन से 10 किलोमीटर दूरी पे है, बस स्टैंड से 8 किलोमीटर दूरी पे। अच्छा, क्या नाम सर? मेरा कॉन्टेक्ट नंबर है 9664072450। मेरा कॉन्टेक्ट नंबर भी है और व्हाट्सअप नंबर भी है, आप कभी भी संपर्क करिए, आपका कॉन्टेक्ट हो जाएगा। मिस कॉल में भी जाता है तो आपको आधा घंटे में रिप्लाई आ जाएगा। अच्छा, और आपके पास सोशल मीडिया में और भी आपके संपर्क करने का तरीका होगा आपके पास? हाँ, व्हाट्सएप पे, वेबसाइट वगैरह हो? वेबसाइट है, गूगल में आपका भी डाला होगा? गूगल में भी डाला हुआ है, वेबसाइट है, सब जगह हमारा, हमको देख पाओगे जी। यानी श्री गोट फार्म मार्ट पे भी देख पाओगे? यानी श्री गोट फार्म आप गूगल में सर्च करेंगे तो इन पे आपको इंडिया मार्ट सभी जगह, मतलब गूगल वगैरह वेबसाइट वगैरह में आपको देखने मिल जाएगा। कोई ऑप्शन बाकी नहीं रखा हमने, हाँ, कि जहाँ हमारा संपर्क नहीं होगा जी। चलिए बहुत अच्छी बात थी। तो ये थी कुछ जानकारी दीपक भाई के बारे में। तो आपके पास ट्रांसपोर्ट अवेलेबल होता होगा? हाँ, 100% ट्रांसपोर्ट अवेलेबल है जी, कहीं भी मंगवाना हो इंडिया में कोई भी कोने में। अच्छा, लेकिन कम से कम 20 बकरों का ट्रांसपोर्ट कर पाएंगे, एक दो वाले कॉल करते हैं हम मना करते हैं, 20 से नीचे ट्रांसपोर्ट नहीं पॉसिबल है। यानी 20 से नीचे ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है? तो हमारा प्रॉब्लम नहीं है, ट्रक वाले का प्रॉब्लम है, ट्रक वाला मना कर देता है। आप चाहे यहाँ पर आके दो नंग भी ले जाओ, एक नंग लेके जाओ ना, दो की बात, एक लेके जाओ, एक रेट में मिलेगा। सही बात है, यहाँ पर आके ले जाओ, लेकिन अगर कम से कम 20 नंग मंगवाना है तो आप ऑनलाइन ट्रांसफर कर सकते हैं। मतलब, चलिए बहुत अच्छी। और कैश ऑन डिलीवरी नहीं होती? कैश ऑन डिलीवरी नहीं होती, सीओडी अवेलेबल नहीं है अभी आपके पास। तो आपके पास पेमेंट की कंडीशन कैसी रहती है? 20% एडवांस लेते हैं, बाकी लोडिंग टाइम पे पूरा पेमेंट कर लेते हैं। 20% एडवांस और बाकी लोडिंग टाइम पे पूरा 80% क्लियर पेमेंट। चलिए बहुत अच्छी बात थी। और ट्रांसपोर्टेशन आप करवा के देते? हाँ, करवा के देते ना। अच्छा, चलो बहुत अच्छी बात है। और आप उसको गाड़ी, बड़ी गाड़ी जो भी चाहिए अवेलेबल हो जाएगा। और ऑन रोड जो भी आपके खाने की, बकरे को खाने की फैसिलिटी रहती है वो तो हमारा गोडाउन से बैग दे देते हैं। बैग दे देते हैं, यानी उसका कोई चार्जेस? एक टाइम का खाना नहीं, उसका कोई चार्ज नहीं रहता, उसका कोई चार्जेस नहीं रहता। एक टाइम खाना हो तो एक बैग या दो बैग देते हैं, और दो टाइम का चार बैग दे देते हैं। अच्छा, चलिए बहुत अच्छी जानकारी थी। तो ये थी कुछ जानकारी श्री गोट फार्म के ऑनर के बारे में, दीपक भाई के बारे में। तो ऐसी जानकारी पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और नोटिफिकेशन आइकन जरूर दबा दीजिए, ताकि आप तक नई नई जानकारी हम ऐसी लाते रहेंगे। मिलते हैं अपन अगले वीडियो में, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और नोटिफिकेशन आइकन जरूर दबा दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।